खूबसूरत पैगाम है उसी का, अगर तुम भेण बिरामदा हक खा के तुस कुत्ते बिल्लियां ते परिंदा को रोटी दाने घते नहीं आओ। ये सामने देख सकते हो क्या चीज लगी पई है, देसी प्यो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हाँ फैसल खान और सलेडी पे हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फैसल रेडियो वाला। अल्लाह पाक दे बबर का नाम नाल वेलकम अक्सा तो एक नवी वीडियो दे गई। अल्लाह पाक तेरे रिस्क दे तेरी खुशियां दे तेरे ऊपर ईमान दे विच बरकत पावे और हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराने रहो, दूजा वास्ते भी खुशियां दा बायस बनदे रहो। ना ये एलोवेरा दा पौधा, इसको कुआरगंदल भी आदन, और ये इसे बड़े फायदे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मेरादा है और बड़ा ही सीधा साधा पौधा है, ये कोई मेहनत वगैरह भी नहीं मंगता। इसको जितनी भी छोटी मोटी जात रहा देना ये उतनी फटाफट ठीक ही जाने लगे। बिल्कुल सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और पीछे दूर रहे धूप निकली तो अगर शायद जाऊँ कोई धुंध तो जो रहे निजात मिल गई सी, लेकिन धुंध जो जीवत बरकरार है और मौसम वध देख सकते हो दोबारा तो बिल्कुल उससे आर थी गए और लगता ही आ रहा कि ये पूरा जनवरी का जरा महीना है ना ये धुंध ही रावणी ये धुंध खत्म नहीं थी बना दिया। अल्लाह पाक रहम करे। सर्दी तो हालत देख सकते हो पौधे की क्या हालत हो चुकी है, ये बिल्कुल बेचारा सारे दा सारा सड़ गए। अल्लाह पाक जल्द तो जल्द बारिश दे दे ताकि सर्दी की शिदत कम की रही, क्योंकि सर्दी बड़ी तबाही मचाई चली जिस जानवर परिंदे फसलां इंसान हर चीज़ बड़ी मुतासर थी पी। अल्लाह पाक जल्द तो जल्द बारिश दे दे क्योंकि बारिश थी सी ता ही सारा मौसम क्लियर थी सी, धूप निकल सी और धुंध का सिलसिला खत्म थी सी। मुर्गियां रखी हुई हैं और माशाल्लाह मैं व्लॉग बने ना पे होने होने में डेटा है। ये सामने देख सकते हो क्या चीज़ लगी पई है, देसी प्योर अंडे। आओ 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 आओ, चलो 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 चलो। ये देख सकते हो जी देसी प्योर एग्स। वाह वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात, बहुत मेहरबानी जी, तेरी भी बहुत मेहरबानी, ये दो अंडे देवण दा बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स ये अंडे आजकल तो पहली गले मिलते हैं और मिलते हैं तो वो इस तरीके नाल प्योर ने उन्होंने, लेकिन ये घर दे अंडे की क्या ही बात है। इन्हों को फोन जल्दी जल्दी बन के पहले अंदर फ्रिज रख छोड़े ने, कल वत इन्हों को खसा ए हे रहा नहीं जाता नाश्ते के लिए। मुर्गियां अंडे देते हैं तो सारा भी हक बनता है, कुछ बदले इनको खुराक देनी चाहिए तो इनको पहले दाने वाले ना सामने 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 ये तो मेरे को खाली लगती पई है। ओए 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 इतनी ज्यादा आ ओ 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 खाओ खाओ तो सा अंडे दे तीन तो हक बनता है, थोड़े जे होर इन्हों को खा देने तीन दाने खाने आ आ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। घर दी मुर्गियां ये गल मनिए कि एक अंडा तक प्योर घर का देसी मिलता है और दूसरा टाइम दे मिल देने ना कुण कते ने ताजा पानी, क्योंकि व्यूअर्स आदमी क्या अगर तो चाहते हो ना मुर्गियां तुम्हारिया सर्दी तो बचिया रहन तो इन्हों को खासकर गर्मी सर्दियों के ताज़ा गर्म पानी दिता, ठंडा पानी ना पीन दिता, क्योंकि अगर ये ठंडा पानी पीसन तो वत इन्हों की तबीयत जी खराब थी वैसी इन्हों को जुकाम वगैरह लग सकता है, अगर इन्हों को जुकाम वगैरह लग गई तो वत इन्हों की जो आंडा की परफॉर्मेंस है वो घट थी वही है। ये फिलहाल जरा रात का पानी पे इसको मैं बीट छोड़े ना तो हूँ इस पैने ताज़ा पानी। उस देखो माशाल्लाह सामने एक और अंडा भी लगा पाया इस पिंजरे के बीच, ये असील मुर्गी है और वो सामने लगा पे अंडा तो उसको भी चावन की कोशिश करें। दो रास्ता है मेरे ख्याल रास्ता, ये देखो जनाब माशाल्लाह त्रै अंडे आज हाड़ दे लग गए हैं। अजकल सारे को 40-45 रुपए का अंडा मिलता पे तो मतलब 130-140 रुपए के अंडे इकट्ठे करके दें ना भी लकड़ियां पे जी अज लिहाड़ वास्ते कट्टियां, क्योंकि सर्दियों के बच्चे लकड़ी ज़्यादा ही इस्तेमाल थी नहीं, गैस हो गई और बिजली हो गई वो तो बंदा घट ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हीटर इस्तेमाल करना बड़ा महंगाई है और बड़ी महंगी बिजली पौनी है तो बस सर्दियों के बच्चे ज़्यादातर लकड़ियाँ इस्तेमाल थी तो फिलहाल बस हूँ लकड़ियों की कटाई करें और अज लिहाड़ जितनी लकड़ियाँ जरूरत हो सन तो उन्होंने कट कर रख छोड़ने ताकि जितनी इस्तेमाल थी हो सन तो उस मुताबिक इस्तेमाल कर गए, क्योंकि शहरों के बच्चे गैस और वो चीज़ बंदा इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि लकड़ी मिलना मुश्किल थी देहात के बच्चे, जबकि लकड़ी थोड़ी आसान ही होनी है और ज़्यादातर तो लोगों ने अपनी दरख्त वगैरह उन्हें जमीन दी तो उन्होंने वास्ते लकड़ी थोड़ी आसान थी वही।
कुहाड़ी पई है, इस इन लकड़ियों को सामने वाले को फिर कटेने। ये रात को जलाएंगे, रात को जलाएंगे, ठीक है? पीछे हो जाओ मेरा बेटा, पीछे हो जाओ। आते वाली भी थे लेने कट लगी पहले नहीं करती आप कट लगी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ मेरा बेटा, लग जाएगी पीछे। लकड़ियाँ कट गई हैं, क्या हो गया है? क्या किया है, क्या किया है? मामा नहीं आए। ये क्या ऊपर लगाया हुआ है सर? ये आट लगाया हुआ है। दाई दाई दिया, थोड़ी नात तो सुना दो। नात तेरे सुनाओ नात। क्यों बाबा अभी जल क्यों आया? लकड़ियां काट रहा हूँ। व्यूअर्स कल मिस्त्री आया और थोड़ी जी जगह खराब हुई, दरवाजे के सामने करके जी फर्श बनाया था थोड़ी जगह खराब हुई, तो उसे सीमेंट लाई तो ना कहीं दो दफा पानी खत्म। फिलहाल तो पानी भी पाया, पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो कौन ही सर्दी है, और फिर भी हल्का फुल्का पानी बात पा रहे हैं उसे, ताकि ठीक तरीके ना त्राई थी वही त्राई हो सी तो मजबूत थी सी। जनाब जल्दी जल्दी वो सब्सक्राइब कर रहे सो और बेल आइकन को प्रेस कर रहे सो, ताकि हर आवर लेटेस्ट वीडियो तक पहुँच रहा रहे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत ठीक? ये भी सारा बड़ा पुराना थे पक्का बेली है, बेली है सारे आवाम को हाल हवाला ठीक ठाक भाई वाला ठीक ठाक सारे ठीक ठाक बते ठीक ठाक बते और बेली उका ठीक ठाक ठीक ठाक लाल कूल है उका ठीक ठाक खैर करी है बा इत बा है। ये व्यूअर्स जी रहे ना भाई, ये सारा बड़ा पुराना बेली है नांगणी तो आए ते ये काफी अरसे तू तो कितना अरसे ठीक हो दी आना भी हो दिनो बेली एक दवे ने बड़ो छका जाना जोर दी जरूर दस सो कमेंट करके, और इस नाल ही अज दा व्लॉग को खत्म कर सा क्योंकि शाम हो चुकी है। वेने वेने अज की खूबसूरत गल खूबसूरत पैगाम है कि अगर तुम भेण भिराव का हक खा के तुस कुत्ते बिल्लियां परिंदा को रोटी दाने खते नहीं आओ, इस सोच नाल कि तुहाडे गुनाह माफ़ किए वैसे तो वह सोचने की जरूरत है। जरूर अपने भेण भिराव का अपने रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल किया करो, अल्लाह पाक अपने हकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन एक इंसान अगर दूजे इंसान के हकूक तलफ करना पे तो उसको अल्लाह पाक नहीं भी माफ़ ना करे। इस वास्ते जनाब इस गल का जरूर ख्याल रखना है, एक बार हकूक का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग की मुलाकात ही उस वक्त तक रब सुनने के हवाले।